ट्रक ने बाइक में पीछे से मारी टक्कर, दो पुत्रों की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर के कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के पड़ेला निवासी रामकृष्ण मिश्र 40 वर्ष, पुत्र समलू प्रसाद, गुरुवार की सुबह करीब 11 बजे घर से अपनी दो पुत्रियों अंशु 10 वर्ष व नंदिनी 12 वर्ष को मोटरसाइकिल से लेकर सुल्तानपुर की तरफ जा रहे थे। अभी वह मोतीगरपुर थाना क्षेत्र के लखनऊ बलिया राजमार्ग पर स्थित दियरा चौराहा के पास पहुंचे, तभी कादीपुर से सुल्तानपुर की तरफ जा रही ट्रक ने उनकी बाइक में पीछे से टक्कर मार दिया। हादसे में रामकृष्ण की दोनों बेटियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि रामकृष्ण को गंभीर हालत में सीएचसी मोतीपुर भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने बाजारवासियों ने राजमार्ग पर ब्रेकर बनाए जाने की मांग को लेकर बल्लियों को लगाकर आवागमन बंद कर दिया। सूचना पर थाना अध्यक्ष मोतीगरपुर शिव कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटना के कुछ देर बाद एसडीएम जयसिंहपुर विदेश, सीओ कादीपुर सुरेंद्र कुमार सिंह, कोतवाल जयसिंहपुर बेंचू यादव, कादीपुर की पुलिस मौके पर पहुंची। सूचना पर पहुंचे एएसपी शिवराज व एसडीएम ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से शीघ्र ब्रेकर बनवाने के संबंध में बातचीत की, जिसके बाद ग्रामीणों ने अधिकारियों के आश्वासन पर करीब पौने दो घंटे बाद जाम खुला। थाना मोतीगरपुर में दियरा चौराहा है, यहाँ पर एक अपने दो छोटी बच्चियों को मोटरसाइकिल में लेके जा रहे थे सुल्तानपुर की तरफ, पड़ेला गांव के रहने वाले हैं। तो पीछे से ट्रक को की टक्कर हुई, इसमें एक दोनों बच्चियां लड़खड़ा करके नीचे गिरी और ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे दोनों छोटी बच्ची एक 12 साल की है और एक 8 साल के करीब है, दोनों की जो है घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। इसी संबंध में जो है सड़क से बॉडी उठाने को लेकर के लोग इकट्ठा हो गए थे और पुलिस प्रशासन के द्वारा दोनों बच्चियों की शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जो मोटरसाइकिल जो चला रहे थे उनके पिताजी, उनको भी चोटें आई हैं, उनको जिला अस्पताल भेजा गया है और यातायात सामान्य है, बाकी विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, ग्रामीणों ने कुछ देर के लिए इसको बाधित किया था राजमार्ग को, क्योंकि कुछ मांगे थी उसके संदर्भ में, कि ये स्टेट हाईवे है कादीपुर और वो आजमगढ़ जाने का स्टेट हाईवे है और अच्छा इसमें ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा, तो उनका ये है कि कुछ बैरियर्स की व्यवस्था की जाए स्पीड ब्रेकर्स की, क्योंकि ये चौराहा है, उसी के संबंध में पीडब्ल्यूडी को अवगत करा दिया गया।